हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। किसानों के समर्थन में अभय चौटाला का यह बड़ा ऐलान आया है, जहां 26 जनवरी तक किसानों के हक में नहीं हुआ फैसला तो 27 जनवरी को विधायक पद से वो इस्तीफा दे देंगे। बड़ा ऐलान किया गया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है अभय चौटाला ने। हरियाणा से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, टकराव पैदा करना चाहती है सरकार। ये अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। कल काफिले के साथ बहादुरगढ़ पहुंचे थे अभय चौटाला और इसी दौरान तमाम ये ऐलान किए गए हैं। हरियाणा किसानों के समर्थन में अभय चौटाला है और इसी दौरान इनका बड़ा ऐलान है कि अगर 26 जनवरी तक किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो 27 जनवरी को वो अपने पद से यानी कि विधायक पद से वो इस्तीफा दे देंगे। केंद्र सरकार पर अभय चौटाला ने बड़ा हमला बोला है और इसी के दौरान उन्होंने कहा है कि टकराव पैदा करना चाहती है सरकार। और कल काफिले के साथ बहादुरगढ़ पहुंचे थे अभय चौटाला और इसी दौरान ये बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार किसान और सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है लेकिन हर बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है, तो इसी के बीच अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। तो इसी दौरान आपको बता दें हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है जहां अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर 26 जनवरी तक कोई अगर बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, किसानों के हक में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो वो 27 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बड़ी खबर है हरियाणा से लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। तो इसमें तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो रही है लेकिन हर बातचीत बेनतीजा हो रही है, अगर बात करें विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, किसानों के समर्थन में है, लेकिन अब अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 26 जनवरी को किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो आने वाले समय में यानी कि 27 जनवरी को वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभय सिंह चौटाला ने ये इस बार बड़ा बयान दिया है कि वो अगर 26 जनवरी तक इस किसान आंदोलन को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाती या किसान इससे संतुष्ट नहीं हो पाते सरकार के रुख से, तो वो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपने विधायक पद से जो इस्तीफा सौंप देंगे। ये एक उन्होंने ऐलान किया, बड़ा ऐलान इसको कहा जाता था। उससे पहले भी उन्होंने कहा था अगर किसान चाहेंगे तो वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार है और किसानों का समय समय पर वो समर्थन करते दिखे, वो समय समय पर बॉर्डर पर जाकर किसानों के धरना स्थल पर जाकर उनको समर्थन भी कई बार देखे, और अभी जब ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी किसानों की ओर से, इसको ट्रायल कहा जा सकता है, जो 26 जनवरी को जो किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा का जो ट्रायल कहा जा सकता है, उसमें भी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बॉर्डर तक जो ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा अपने कार्यकर्ताओं की, इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता है उनको ले जाकर एक यात्रा निकाली और फिर एक बार फिर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखे। जी जिस तरीके से लगातार किसान जब से प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानून को रद्द करने के लिए के, और इसी को लेकर जिस तरीके से अब समर्थन कर रहे हैं विपक्ष, एक मेन भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष लगातार सरकार के किसानों के समर्थन में, क्या लगता है कि अपने जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वो सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी और पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या लगता है पद से इस्तीफा देने से सरकार कुछ सोचेगी या नहीं सोचेगी किसानों के हक में? जी देखिए, सरकार क्या सोचती है इस बारे में कहना साफ नहीं है, अभी समय नहीं है कि क्या सोच सकती है, लेकिन बात यह है कि दबाव जरूर माना जा सकता है कि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार के ऊपर किसानों के जो को लेकर जो ये 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इनको रद्द करवाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उस पर दबाव जरूर विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा है, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस भी अपना समर्थन देती हुई दिख रही है, उसके तमाम बड़े नेता जो है वो किसानों के साथ खड़े दिखते हैं। तो वहीं पर ये जो एक बड़ा कदम है इंडियन नेशनल लोकदल के जो वरिष्ठ नेता है अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि मैं अपने विधायक पद से 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा, अगर 26 तारीख तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो वो अपने विधायक पद से जो हरियाणा के स्पीकर हैं उनको अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ये सबसे एक बड़ा जो बयान है विपक्ष
के नेता विपक्ष की ओर से जो आया है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो आया है, ये इसको एक बड़ा बयान कहा जा सकता है और सरकार पर इसका दबाव भी माना जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो लगातार हरियाणा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर किसानों के हक में जल्द से जल्द ये फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में यानी कि 27 जनवरी को वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।